प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। हमें दे रखा है प्लेन पर एक पॉइंट और उसका नॉर्मल, ये दूसरी फॉर्मेट है हमारे पास। हमें इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, हमें इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, जबकि आपको इस प्लेन पर एक पॉइंट दे रखा है। ध्यान रखें, हम इस प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, इस पर एक पॉइंट दे रखा है ए, ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, तो आप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो, या आप ये कहो कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ही दे रखा है और साथ में आपको इसका नॉर्मल दे रखा है। ये दो चीज़ के बिना, नॉर्मल दे रखा है आपको ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। मैं कहूँ कि इसे नॉर्मली डी आर बताइए, तो आप डी आर बता सकते हो, क्या होंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। आपको इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, प्लेन की इक्वेशन बताने के लिए इस प्लेन पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लीजिए। मान लेता हूँ एक वेरिएबल पॉइंट इस प्लेन पर आर है, और इस आर का पोजिशन वैक्टर हम स्मॉल आर ले लेते हैं। इस आर वैक्टर में इसके पोजिशन वैक्टर में और इस वैक्टर में जो रिलेशन क्रिएट होगा वो इस प्लेन की क्या होगी, इक्वेशन होगी। लेट पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इसे हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। देखिए इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर हमने स्मॉल ए ले लिया है, इस पॉइंट ये पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करिए तो आपको ए आर वेक्टर पता लग जाएगा। ए आर वेक्टर क्या होगा, ए आर वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब है आप यहां से ए आर वेक्टर लिख सकते हो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस ए आर वेक्टर में और उस एन में क्या रिलेशन है, ए आर वेक्टर और एन में ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये प्लेन पर ये लाइन है और नॉर्मल है इसका, तो ये हमेशा क्या होगा, ये नॉर्मल इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ए आर इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल एन, इसका मतलब है कि ए आर का एन वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा, जीरो आएगा। यहाँ से ए आर वेक्टर आपके पास आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जब आपको प्लेन पर एक पॉइंट दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, नॉर्मल दे रखा है, तो ये इक्वेशन होगी प्लेन की। आप इसे ऐसे भी ले सकते हो आर माइनस ए, ए क्या वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर आपके पास ये एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के डॉट प्रोडक्ट करिए, किसे डॉट करेंगे आप इसे, एन वेक्टर से, और एन वेक्टर क्या आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, बराबर कितना आएगा, जीरो आएगा। और आगे सॉल्व कर लीजिए, इसका डॉट आप इससे कर लीजिए, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के माइनस इसका डॉट इससे करेंगे, इसका डॉट करेंगे तो आई डॉट आई तो वन हो जाएगा, और आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, तो इसका डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ये सॉल्व हो गया एक इक्वेशन, ये पूरा एक रियल नंबर है, ध्यान रखिए ब्रैकेट में है, ये पूरा रियल नंबर रहेगा। ये पूरा रियल नंबर को आप नाम दे दीजिए, मान लेता हूँ ये नाम डी है, ये पूरी चीज़ डी है, इस पूरे नंबर को मैं डी लिख रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। ये डी परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन नहीं है, ध्यान रखना ये जो नंबर सॉल्व हो क्या रहा है, इन सभी नंबरों को सॉल्व करके मैंने क्या नाम दे दिया है, डी लिख दिया है। अब आप इसकी कार्टेशियन फॉर्म देख लीजिए, कार्टेशियन फॉर्म के लिए आप क्या करें, इस आर के कोऑर्डिनेट को यदि हम एक्स वाई और जेड लिख लें तो आर का पोजिशन वैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, या जब आप वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म आ रहे हो प्लेन में तो आर की जगह पर हमेशा क्या लिख दीजिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के माइनस डी बराबर कितना आएगा, जीरो आएगा। इसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी जेड माइनस डी बराबर जीरो। ये कौन सी फॉर्मेट है? कार्टेशियन फॉर्मेट है। मैंने यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन करी है, रिजल्ट आपके पास यही है, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। जिसे सॉल्व करोगे तो ये प्रोसीजर अप्लाई करोगे आप। मैंने आपको बताया प्लेन इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ रही हो ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो, इस फॉर्मेट में आ रही हो तो ध्यान रखना एक्स वाई जेड के जो कोफिशियंट होते हैं वो हमेशा डी आर ऑफ क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं ना, ए बी सी। ए बी सी यहाँ पर क्या है, एक्स के साथ है, वाई के साथ है, जेड के साथ है। एक्स वाई जेड के जो कोफिशियंट हैं वो डी आर ऑफ नॉर्मल होते हैं। मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी, आप इसे कॉपी करिए, मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अब आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि आपको प्लेन की क्वेश्चन बतानी है, सॉल्यूशन आपको इस प्लेन की क्वेश्चन बतानी है। ये प्लेन आपके पास, आपको इस प्लेन की क्वेश्चन बतानी है और ये प्लेन इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट हैं 5, 2 और -4 और परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो। ये प्लेन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसके डीआर आपको दे रखे हैं, इसके डीआर दे रखे हैं 2, 3 और -1। इस प्लेन की क्वेश्चन बतानी है, आपको पॉइंट पता है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसे कहेंगे नॉर्मल। नॉर्मल ऑफ द प्लेन जो है वो ये है जिसके डीआर 2, 3 और -1 है। आप इसे नॉर्मल लिख सकते हो, आप यहाँ एन वेक्टर लिख सकते हो 2i + 3j - k। इस नॉर्मल के डीआर आपको 2, 3 और -1 दे रखें। आप यहाँ पर एन वेक्टर लिख सकते हो जो नॉर्मल है, और यहाँ लिख सकते हो आप पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। मान लेता हूँ इसका पोजीशन वेक्टर ए है और ए वेक्टर लिख सकते हो। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे पता करेंगे आप? यहाँ पर आप आई जी के लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5i + 2j - 4k। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, नॉर्मल पता है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म ये आएगी r - a·n = 0। एक पॉइंट पता हो और नॉर्मल पता हो तो इक्वेशन प्लेन क्या होती है, r - a। a उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे प्लेन पास आउट हो रहा है और n उस प्लेन का क्या है, नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। तब इक्वेशन प्लेन होती है r - a·n = 0। आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो, r - a क्या है आपके पास, a ये वेक्टर है 5i + 2j - 4k, डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप n वेक्टर से, n वेक्टर है आपके पास 2i + 3j - k = 0। इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आप इसका डॉट इससे करेंगे तो क्या आएगा, r·2i + 3j - k, माइनस इन दोनों का डॉट करेंगे तो आप लिखेंगे इसे 5i + 2j - 4k, डॉट प्रोडक्ट 2i + 3j - k = 0। आप इसे और सॉल्व कर सकते हो, r·2i + 3j - k, माइनस इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i·i1 होता है और i·j क्या होता है, 0 होता है। सीधा मिल डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, इसका डॉट इससे करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसका डॉट इससे करेंगे तो +6 आ जाएगा और इसका डॉट इससे करेंगे तो +4 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपके पास ये वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी, r·2i + 3j - k -20 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे, किस आर की जगह पर हम xi + yj + z के रख लेंगे और उन दोनों का डॉट करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कार्टेशियन फॉर्म। अब आप इसका कार्टेशियन फॉर्म देख लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करेंगे, आप आर की जगह पर, आप आर की जगह पर वेरिएबल पॉइंट लिख लीजिए। मान लेता हूँ वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड है तो आर का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, xi + yj + z। प्लेन की जितने भी इक्वेशंस हैं आपके पास वेक्टर फॉर्म में, उनमें आप r की जगह पर xi
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख लीजिए डॉट, इस आर की जगह पर मैं रख लिया डॉट, टू आई प्लस थ्री जे माइनस के माइनस ट्वेंटी इक्वल टू कितना आएगा जीरो। इन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कर लिए, जो इक्वेशन आएगी वो कार्टेशियन फॉर्म होगी। इन दोनों का डॉट करेंगे तो आई डॉट आई वन होता है, तो क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। और ये आपके पास क्या थी, वेक्टर फॉर्म थी। मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको नया कंसेप्ट बताता हूँ।